एसिडिटी क्यों और कैसे होती है? भोजन करने के बाद जब भोजन पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है। यह पेट में भोजन को पचाने का काम करता है। जब यह एसिड पेट में जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है। इससे पेट में जलन होने लगती है, जो छाती तक पहुंच जाती है। एसिडिटी के कारण चाय और कॉफी पीने से एसिडिटी होती है। खासकर भूखे पेट होने पर कभी भी चाय कॉफी ना पिए। धूम्रपान करने से भी एसिडिटी होती है। ज्यादा और अनियमित चटपटा मसाले वाला भोजन करना, भूख लगने पर भोजन नहीं करना या ज्यादा देर तक भूखे रहना, दिन में कभी भी कुछ भी खा लेना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, ज्यादा तेल वाला खाना भी एसिडिटी का कारण होता है। इस कारण की वजह से आपको एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। एसिडिटी के लक्षण क्या है? छाती या पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, खाना वापस अन्न नली में आना, खाना न पचने के कारण उल्टी होना, सिर दर्द होना, सांस में बदबू आना। इन सब लक्षणों का ध्यान रखें और उससे बचने के उपाय करें। घरेलू उपायों से दूर करें एसिडिटी। सौंफ पाचन तंत्र को ठीक करती है, इसलिए सौंफ का सेवन रोज खाने के बाद करना चाहिए और जिन लोगों को अक्सर गैस होने परेशानी होती है, उनके लिए सौंफ फायदेमंद होती है। अदरक पाचन तंत्र को सुधारने की एक अचूक औषधि है। खाना खाने के बाद रोज अदरक और नींबू का एक चम्मच रस पीने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। जीरा में कई पोषक तत्व होते हैं। दही, छाछ में जीरा पाउडर डालकर पीने से भी गैस की समस्या दूर होती है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में मदद मिलती है। रोज 4 से 5 आंवलों का सेवन करने से पेट से संबंधित समस्याएं ठीक होती हैं। बताई गई चीजों से आप एसिडिटी को टाल सकते हो और उससे बच सकते हो। अगर आप एसिडिटी की समस्या से पीड़ित हैं, तो अपने विशेषज्ञ से सलाह लें।